पीसीएस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है, कौन थे नाना जगन्नाथ शंकर से? सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर नाना जगन्नाथ शंकर सेठ के नाम पर रखने का निर्णय लिया। चलिए अब जानते हैं नाना जगन्नाथ शंकर सेठ के बारे में। यह एक समाज सुधारक, शिक्षाविद और परोपकारी थे। इनका जन्म 10 फरवरी 1803 को ठाणे जिले के मुरबाड़ में एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। साल 1822 में अपने पिता के निधन के बाद बेहद कम उम्र में पारिवारिक व्यवसाय चलाने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई। इन्हें अक्सर मुंबई के वास्तुकार के रूप में वर्णित किया जाता है। शंकर सेठ प्रसिद्ध व्यापारी और परोपकारी सर जमशेद जी जीजी भॉय से बहुत प्रेरित थे। एक समाज सुधारक और सामुदायिक नेता के रूप में शंकर सेठ ने भारतीयों और ब्रिटिश दोनों की सद्भावना अर्जित की। यह बम्बई की विधान परिषद में नामांकित होने वाले पहले भारतीय बने। शंकर सेठ के महत्वपूर्ण योगदान। शंकर सेठ बम्बई में शिक्षा के विकास और प्रसार के लिए गहराई से प्रतिबद्ध थे और इन्होंने शैक्षिक संस्थानों के लिए अपने परिवार के स्वामित्व वाली भूमि दान कर दी थी। अपने समय के कई समाज सुधारकों की तरह इनका मानना था कि भारतीय शिक्षा के माध्यम से प्रगति कर सकते हैं। शंकर सेठ ने नेटिव स्कूल ऑफ बॉम्बे की स्थापना की, जिसका नाम पहले बॉम्बे नेटिव इंस्टीट्यूट और फिर बोर्ड ऑफ एजुकेशन रखा गया। अंततः यह संस्था प्रतिष्ठित एल्फिंस्टन कॉलेज के रूप में विकसित हुई। इसके अलावा इन्होंने लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए भी काम किया। शंकर सेठ ने भायखला में डॉक्टर भाऊ दाजी लाड संग्रहालय को बढ़ावा देने के लिए भी दान किया। इस संग्रहालय को लंदन के एक प्रसिद्ध वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था। भारत में पहली ट्रेन परियोजना ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी द्वारा शुरू की गई थी। इस परियोजना को गति देने वाली समिति में सर जमशेद जी जीजी भॉय और नाना शंकर सेठ शामिल थे। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, नाना जगन्नाथ शंकर सेठ बम्बई की विधान परिषद में नामांकित होने वाले पहले भारतीय बने। दो, भारत में पहली ट्रेन परियोजना ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी द्वारा शुरू की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।